केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत अपने एक दिन के दौरे पर जोधपुर पहुंचे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री ने अपने निवास स्थान पर जनसुनवाई की। मंत्री शेखावत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार का बजट विकास को बढ़ावा देने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा कि वे झूठ बोलकर लोगों में भ्रम फैला रही है। इस बजट में उस दृष्टिकोण से भी माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने राजस्थान की स्टेट जीडीपी जो है वो 30 लाख करोड़ तक पहुंचे या 350 बिलियन यूएस डॉलर की बने, इस दिशा में संकल्प राजस्थान की जनता के सामने इस बजट के माध्यम से व्यक्त किया है। बजट राजस्थान के हर तबके को कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से छूते हुए हर विधानसभा में कुछ न कुछ प्रगति का काम, विकास का काम हो। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र के में किए गए वादों को पूरा करने वाला हो, इस दृष्टिकोण से एक सर्वांगीण सर्वस्पर्शी बजट। जब दुनिया वर्ल्ड स्काई डाइविंग डे मना रही हो और भारत में इस तरह की शुरुआत हुई हो, इसलिए मैंने निर्णय किया कि इस रोमांच के में अचक अनुभव में मुझे भी सम्मिलित होना चाहिए, शरीक होना चाहिए। और निश्चित ही मैं देखता हूँ कि आने वाले समय में भारत में इस तरह के केंद्र और बनने के साथ ही भारत में इस दिशा में एक विशेष प्रगति होगी और भारत के पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में इसके कारण से बहुत बड़ा उछाल है। सरकार ने जिस तरह से बजट प्रस्तुत किया है वो राजस्थान के सर्वांगीण विकास के लिए जो है समर्पित बजट तो है ही, लेकिन साथ साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी की जो परिकल्पना है कि 2047 तक हम भारत को विकसित भारत बनाएं, और विकसित भारत बनाने की आधारशिला एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, दूसरी तरफ इकोनॉमिक ग्रोथ है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना है कि हम भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएं। बताओ क्या कहना है।